Welcome students, welcome to the lecture number 4 of chapter strings in python. So बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम लोग स्ट्रिंग्स से जुड़े हुए कुछ फंक्शंस को स्टडी करेंगे, ठीक है जी. सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड अबाउट वेरियस ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन द स्ट्रिंग्स, ओके. बट इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अबाउट सम फंक्शंस और मेथड्स, okay, related to the strings. So let's begin that series. So for notes making, I am just opening the note MS Paint option, okay. So the topic for today is basically functions and methods. ठीक है. सो फंक्शंस एंड मेथड्स जो हैं वो हमें परफॉर्म करने हैं, ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट विद सम मेथड्स. सो फर्स्ट वन इज बेसिकली LEN, ओके. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मेथड? सो बेसिकली दिस LEN मेथड, दिस मेथड, let me just increase the size, okay. So this method gives the length of the strings, theek hai. So this method gives the length of the strings, or we can say that it tells about the total number of characters in the given string, okay. So it also tells me, it basically tells me about the total number of characters present in the given string. So let me just check the functionality of this LEN function. So for that I'm opening the Python interface now. So let me solve it. So suppose if I have taken a variable a and assigned a particular data in it, suppose I have assigned a word Google space class just classroom, okay. So I have taken a variable a and assigned the value, that is Google classroom, that string to the variable a, theek hai ji. सो अब ए वेरिएबल के अंदर गूगल क्लासरूम नाम की स्ट्रिंग स्टोर हो गई. सो लेट अस सी कि अगर मैं ये लेंथ वाला फंक्शन इसके ऊपर चलाना चाहूँ तो हाउ आई कैन रन इट. आपको लिखना पड़ेगा LEN एंड विद इन द ब्रैकेट्स यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है. सो मेरे पास यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल है वो स्ट्रिंग. सो मैंने ये लिख के जस्ट एंटर मारा एंड यू कैन सी दैट वी गेट द आंसर एज 16. 16 क्यों? अब आप जरा इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट कर लो कितने हुए इसके अंदर. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. This space जो यहाँ पे बीच में आ रहा है that is also included. Okay, 6. So then space is 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. And the last one is 16. So the total characters in this A variable including the space is basically 16. So नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि लेंथ वाला फंक्शन हमें क्या देता है. इट काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, फिर चाहे वो जो जो मर्जी हो, इवन द स्पेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड, ओके. सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग दैट फंक्शन, ओके. सो लेट मी कॉपी दिस आउटपुट एंड जस्ट पेस्ट इट ओवर देयर. सो the example of this length function is this one, okay. So this is the example of it. Now the next function that we are going to study is, next one is basically the function named as capitalize. So CAPITALIZE, capitalize. So what is the purpose of this capitalize word, capitalize function? So
let me write the definition that this method gives the exact copy. Just wait, in spite of gives, you just write the word return. Return is the most appropriate word in this case. This method returns the exact copy of the string, okay, with the first character in uppercase. In upper case. So इसका क्या मतलब हुआ कि भैया जब ये फंक्शन आप कॉल करेंगे तो ये फंक्शन जो भी आपने डेटा को दिया है इट विल गिव यू द सेम डेटा. ठीक है, डेटा आपको सेम मिलेगा बट होगा क्या कि उस डेटा का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर में होगा. ठीक है, सो लेट अस सी कि भाई क्या होता है यहाँ पे. सो अगर मैंने यहाँ लिखा ए डॉट कैपिटलाइज, ओके, ठीक है, ये मैंने लिख दिया ए डॉट कैपिटलाइज. सो लेट सी कि हमारे सामने आउटपुट क्या है. देखिए वही गूगल क्लासरूम जो ऊपर लिखा वही वर्ड आ रहा है बट यू कैन ऑब्जर्व दैट जी जो है इसमें कैपिटल आ रहा है. ओके, सो जब आप ये कैपिटलाइज फंक्शन को यूज करेंगे तो ये जो भी आपका डेटा होगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लेटर में ले आएगा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कैपिटलाइज. राइट, नाउ आफ्टर द कैपिटलाइज फंक्शन द नेक्स्ट फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बेसिकली द टाइटल. ओके, सो द थर्ड वन इज द टाइटल फंक्शन. ठीक है, सो ये टाइटल नाम का मेथड जो है ये क्या करेगा, जस्ट एक बार पहले इसका व्यू देखते हैं कि ये क्या करता है. मैंने वही लिखा ए डॉट टाइटल. सो जब एंटर मारा नाउ अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये टाइटल क्या कर रहा है, जो भी गिवन स्ट्रिंग है उस गिवन स्ट्रिंग के अंदर मौजूद हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल करेगा. कैपिटलाइज तो क्या करेगा, जो भी डेटा आपने दे रखा है उस डेटा का सबसे पहला कैरेक्टर देखेगा, दैट्स इट. तो दैट्स वाई इसने क्या करा, सिर्फ जी को, यानी कि गूगल में से सिर्फ जी को कैपिटल करा. बट इफ यू ऑब्जर्व दिस टाइटल फंक्शन तो ये क्या कर रहा है, इट इज ये आपके जो गिवन स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, बिकॉज इसके अंदर दो वर्ड्स है, फर्स्ट वन इज द गूगल एंड अदर वन इज द क्लासरूम. सो जितने भी वर्ड्स आपके स्ट्रिंग के अंदर मौजूद हैं उस हर वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को वो कैपिटलाइज कर देगा, यानी कि उसको अपर केस में लेकर आ जाएगा. ओके, सो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस मेथड दैट दिस मेथड रिटर्न्स, लेट मी जस्ट इंक्रीज द साइज. ओके, सो दिस मेथड रिटर्न्स द एग्जैक्ट कॉपी of the string, okay, with the first character, with the first character of each word in the string in upper case. Okay, so this method returns the exact copy of the string with the first character of each word in the string in upper case. Okay, और यहाँ पे हमने इसका एक ये example भी चला के देख लिया है. So this is the example, मैं इसको paste कर देता हूँ. सो नाउ अब आप इसको देख सकते हैं. थोड़ा सा मैं इसका साइज एक हल्का सा छोटा करके देखता हूँ, अगर थोड़ी जगह मिल जाए इसमें तो हम. सो नाउ यू कैन सी कि भाई जो भी हमने लिखा वो एग्जैक्टली आपको अपीयर हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ये सारा हमारा डेटा यहाँ पे. सो फर्स्ट फंक्शन जो हमने डिस्कस किया दैट इज लेंथ, देन कैपिटलाइज, देन टाइटल इज द थर्ड वन. ठीक है जी, तो आपको बस ये तीन फंक्शंस अभी फिलहाल पहले नोट कर लीजिए. ठीक है, देन उसके बाद हम बाकी फंक्शंस जो हैं उनको भी स्टडी करते हैं. ठीक, सो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा. सो अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ सो दैट मैं जो रेस्ट ऑफ द फंक्शंस हैं उनके बारे में भी हम काम कर सकें. सो मैं ये एरिया थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ. नाउ सो वी हैव डन थ्री फंक्शंस.
So let's move to the fourth number of function. Okay, so after title function, we are going to use the next function, that is upper. Okay, so as the name suggests, ये upper function क्या करेगा कि जो भी string आपने इसको दी है, ये उस string के हर एक character को capital letter में convert कर देगा. Okay, so this function returns the given string with all characters in capital, or we can say that all with all character in upper case. Okay, so this function returns the given string with all characters in upper case. So let's see कि भी क्या ये होता है. तो हमने यहाँ पे करा a dot upper. सो नाउ जैसे हमने ए डॉट अपर लिखा, यू कैन सी दैट कि इसने सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर में हमारा शो कर दिया. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि भैया ये फंक्शन हमारे लिए क्या काम परफॉर्म करेगा. नाउ आफ्टर दैट अपर के बाद द नेक्स्ट फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू यूज इज बेसिकली लोअर. सो जैसे अपर हमारे डेटा के हर एक कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है, सिमिलरली जो लोअर है वो क्या करेगा, ये हमारे डेटा के हर एक कैरेक्टर को स्मॉल लेटर में कर देगा. सो दिस फंक्शन रिटर्न्स द गिवन स्ट्रिंग विद ऑल कैरेक्टर्स इन लोअर केस, दैट इज इन स्मॉल लेटर. सो अगर देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए डॉट लोअर, सो नाउ यू कैन सी दैट कि सारा डेटा मेरा स्मॉल लेटर्स में आ गया. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि भाई अगर अपर फंक्शन है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके दे देगा सारा डेटा, एंड जो लोअर वाला फंक्शन है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके दे देगा. नाउ आफ्टर दैट, अब उसके बाद एक नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज काउंट. ठीक है, अब ये काउंट फंक्शन हमारे लिए क्या करेगा. ये काउंट क्या करता है कि सपोज मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इस बड़ी स्ट्रिंग में से ये कोई पर्टिकुलर डेटा कितनी बार अपीयर हो रखा है. तो पहले जरा इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, दैट दिस फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स गिवन डेटा अपीयर्स इन द स्ट्रिंग. ठीक है, इन द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग. सो दिस फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स गिवन डेटा अपीयर्स, एक मिनट, अपीयर्स इन द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग. सो लेट्स सी कि क्या मतलब है यहां पे. अब जैसे सपोज मान लो मैं यहां लिख देता हूं ए डॉट काउंट. ठीक है, और मान लो मैंने यहां पे लिख दिया ओ. ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि भैया ओ कितनी नंबर ऑफ टाइम्स अपेयर हो रहा है. तो आप देखो आंसर आ गया आपके पास 4. अगर आप गूगल क्लासरूम वर्ड में देखेंगे तो एक बार ओ यहाँ पे आ गया और एक बार ओ यहाँ पे, यानी 4 बार आ रहा है टोटल. ठीक है, सो ऑब्वियसली यू कैन गेट द आइडिया कि भैया सपोज जब काउंट वाले फंक्शन में क्या होता है कि जो भी आपने डेटा दिया है, जैसे मैंने ओ दिया है, तो ओ वाला डेटा वो ए स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपेयर हो रहा है, 4 टाइम्स, तो वो उसने हमें प्रोवाइड कर दिया. अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर देयर इज कि यहाँ पे ना मैं अगर चाहूँ कि भाई ये जो वर्ड्स को फाइंड कर रहा है और गिन रहा है, अगर मैं उसका रीजन एरिया सेट करना चाहूँ, मतलब क्या है, सपोज अगर मैं ऐसे लिख दूँ ए डॉट काउंट, करना ओ ही है काउंट, लेकिन अगर मान लो आप यहाँ देखो नीचे सिंटेक्स में, आप देखो एस डॉट काउंट लिखा है यहाँ पे, सब कॉमा स्टार्ट कॉमा एंड, इसका मतलब क्या है. सब मतलब होता है कि आपको कौन सा डेटा सर्च करना है वो सब स्ट्रिंग आप प्रोवाइड कर दो. तो वो तो मैंने बोल दिया ओ कर दो, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शनल डेटा ऑप्शनल भी है कि मैं स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू भी सेट कर सकता हूँ. जैसे मान लो मैंने कॉमा लिखा और मान लो मैं कहता हूँ कि भैया ये सेकेंड पोजिशन से आप सर्च करना शुरू करो और 11 पोजिशन तक बस. ठीक है, और मैं इसको बंद कर देता हूँ. और अब मैंने जब एंटर मारा तो मेरे पास सिर्फ 1 आ रहा है, क्योंकि अब देखो सेकंड पोजीशन से लेकर 11 मतलब उससे एक कम तक. तो देखो 0, जब हम पोजीशन अगर देखेंगे यहाँ पे, ये 0 पे जी है, 1 और 2,
ठीक है। अगर ये टू पोजीशन यहाँ से, क्योंकि जीरो पोजीशन पे जी है, वन पोजीशन पे ओ है, और टू पोजीशन पे ये ओ आ रहा है, देखो ठीक है। टू से लेकर 10 पोजीशन तक देखते हैं ओ कितनी बार आ रहा है। तो ये टू है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आप इस देखोगे कि जो मैंने एरिया दे दिया टू से लेकर 11, 11 मतलब 11 से एक कम तक, तो 10 तक चलेगा। एक तरह से टू पोजीशन से लेकर 10 पोजीशन तक के बीच में ओ कितनी बार आ रहा है, जस्ट वन टाइम। दैट्स वाई यहाँ पे आंसर क्या है, जस्ट वन। ओके, एक काम करता हूँ, मैं ये पूरा ही इधर से कॉपी कर लेता हूँ और ये इसी के ऊपर से हम लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है जी। ये आपको समझ में आ गया होगा काउंट फंक्शन क्या करता है। ये काउंट करता है गिवन नंबर ऑफ, जो भी आपने डेटा दे रखा है वो डेटा गिवन स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये काउंट वाला फंक्शन समझ में आया होगा कि इसकी क्या फंक्शनैलिटी है। ओके, ये हमने भी सिक्स फंक्शंस इसके अंदर देख लिए। आफ्टर दैट हम कुछ और फंक्शंस भी देखते हैं। तो मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सिक्स फंक्शन तक हम देख चुके हैं, नाउ वी मूव टू द सेवन्थ वन। ठीक है जी। चलिए अब सेवन्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं अपना। नाउ लास्ट हमने देखा था दैट इज फाइंड, सॉरी काउंट। अब हमारा सेवन्थ फंक्शन जो है वो है फाइंड, ठीक है। अब काउंट तो हमें ये बताता था कि यार ये करेक्टर गिवन स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ टाइम्स अवेलेबल है, ठीक है। फाइंड फंक्शन क्या करता है कि जो भी एक आपको, आपने एक स्ट्रिंग दे रखी है उसमें से ये गिवन करेक्टर कौन से पोजिशन पे अवेलेबल है। दिस फंक्शन रिटर्न्स द पोजिशन नंबर ऑफ द गिवन डेटा इन द, या गिवन स्ट्रिंग इन द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। दिस फंक्शन रिटर्न्स द पोजिशन ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इन द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। अब जैसे सपोज मान लो यही दे रखा है, और अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए डॉट, अब मुझे क्या करना है, फाइंड। तो मैंने ए डॉट फाइंड, और यहाँ पे मान लो मैंने वही, सपोज मैं कुछ और दे देता हूँ यहाँ पे, सपोज मैंने ओ दे दिया। देखो इसने वन दे दिया, वन मीन्स कि अब ओ कौन से नंबर पोजीशन पे आ रहा है। देखो जीरो पोजीशन पे जी है, तो वन पोजीशन पे ओ है, ठीक है। या सपोज अगर आप कुछ और डेटा देना चाहते हैं, जैसे मान लो मैंने दिया ए डॉट फाइंड, और लेट मी गिव सम अदर एग्जांपल, मैं एस दे देता हूँ कि भाई मुझे एस बताओ। एंटर मारा तो देखो 10 आ गया, क्योंकि ये गूगल क्लासरूम वर्ड में ये जो एस है ये 10th नंबर पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है जी। ये मुझे क्या प्रोवाइड कर देता है, ये मुझे पोजीशन नंबर प्रोवाइड कर देता है उस गिवन स्ट्रिंग की जो मैंने दी है यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो हम देखना चाह रहे हैं दैट इज, हमारे पास एक और है इज एल नम। अच्छा, अब ये जो इज एल नम नाम से जो फंक्शन है ये आपको आंसर ट्रू या फॉल्स में देगा। दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन स्ट्रिंग, इफ द गिवन स्ट्रिंग कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ओके, चलिए अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं एक बार, ठीक है जी। तो मान लो जैसे ए इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो, ठीक है। अगर मैं करूँगा इज ए एल एन यू एम एल नम, तो मेरे पास ट्रू आ गया, ठीक है। क्योंकि इज एल एम का मतलब है अल्फाबेट भी हो और न्यूमेरिक डेटा भी होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो, जैसे अब यहाँ पे से हेलो के अंदर सिर्फ अल्फाबेटिकल डेटा है। अच्छा, अगर मान लो मैं करता हूँ बी इज इक्वल टू 546, बी डॉट इज ए एल एन यू एम, ट्रू आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने करा ए इज इक्वल टू सी 152 ए, और फिर मैंने करा ए डॉट इज
एल नम, ठीक है, तब भी देखो ट्रू आ गया, ठीक है। सो अगर आपके अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक डेटा होगा तो आपका यहाँ आंसर हमेशा क्या आएगा, ट्रू में आएगा। लेकिन सपोज अगर मैंने ऐसे लिख दिया ए इज इक्वल टू एच ई डॉलर हैश और एल एल ओ, अब देखें क्या आंसर आता, इज ए एल एन यू एम, सो आंसर फॉल्स आ गया। सो एलनम का मतलब है अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब कैपिटल ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड हो, एंड नम मीन्स न्यूमेरिक, यानी कि अगर आपके डेटा के अंदर अल्फाबेटिक डेटा होगा या सिर्फ न्यूमेरिक डेटा होगा या अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक डेटा दोनों होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो हेलो के अंदर सिर्फ अल्फाबेटिकल डेटा है तब भी इसमें ट्रू आया, 546 न्यूमेरिक डेटा है तब भी इसमें ट्रू आया, C152A इसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों डेटा है तब भी ट्रू आया। लेकिन यहाँ पे जो हेलो में मैंने डॉलर और ये हैश का सिंबल डाल दिया, ये क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स। सो इन दिस केस ये आंसर क्या आ गया, फॉल्स, ठीक है। सो ये हम इसका कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या क्या करना है। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो हेलो में ट्रू आया और ये 546 में भी ट्रू आया, C152A में भी ट्रू आया, लेकिन जहाँ पे आपने स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड करें उसके अंदर तो वो फॉल्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ ताकि मेरा वो डेटा भी इसके अंदर अपियर हो जाए आराम से, ये रहा। सो ठीक है जी, सो इसको आप नोट कर सकते हैं सारा अपना, ठीक है। तो ये आपका पहला फाइंड फंक्शन हो गया, दूसरा हमने कौन सा फंक्शन देख लिया, दैट इज एलनम, ठीक है। सो यहाँ पे फॉल्स रह गया था, बट आपको दिखा कि इज एलनम वाले इस केस में हमारा आंसर फॉल्स ही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से जस्ट एक फॉल्स को कॉपी कर लेता हूँ और इधर लगा देता हूँ, ओके। सो ये हमने कुछ फंक्शंस जो थे आज इसको पढ़ा, ठीक है। बाकी जो बचे हुए फंक्शंस हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। सो आज की क्लास के अंदर हम ये 8 फंक्शंस ही देख रहे हैं, इन फंक्शंस को भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।